हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एग्री एग्जामर बाय सेल्फ अभिषेक दुबे। और आज हम बात करेंगे डिजीज़ और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजीज़ क्या होता है। अ डिजीज़ इज एबनॉर्मल कंडीशन इन प्लांट प्रोड्यूस बाय एन ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंटल फैक्टर। डिजीज़ जो प्लांट की एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो कि इन ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगल हो गया, या वायरस, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे टेम्परेचर या कोल्ड या फ्रॉस्ट, इनके द्वारा प्रोड्यूस होता है। फॉर अ डेवलपिंग अ डिजीज थ्री मेजर कंपोनेंट्स आर एसेंशियल। डिजीज डेवलप होने के लिए तीन मेजर कंपोनेंट्स एसेंशियल होते हैं या आवश्यक होते हैं, जिसको कहते हैं पैथोजन, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। पैथोजन मतलब जो वेक्टर है, होस्ट जिस पे वो कॉज कर रहा है, एंड एनवायरनमेंट उस समय का वेदर कैसा है। एंड द फोर्थ टाइम इज टाइम, फोर्थ फैक्टर इज टाइम। टाइम कौन सा है, किस मौसम में कर रहा है, कौन से मंथ्स में कर रहा है और कब कब अटैक करता है। द इंट्रेक्शन बिटवीन होस्ट पैथोजन एंड एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज रिप्रेजेंटेड एज डिजीज ट्रायंगल। और पैथोजन, होस्ट और एनवायरनमेंट जो होता है, इनका जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम डिजीज ट्रायंगल के रूप में दिखाते हैं। एंड फोर्थ फैक्टर इज टाइम। अब आगे बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। सबसे पहले है ब्लाइट, अ नॉन रिस्ट्रिक्टेड टिश्यू डिजेनरेटिंग सिम्टम कैरेक्टराइज बाई अ जनरल एंड रैपिड किलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स एंड स्टेम। ब्लाइट जो होता है एक नॉन रिस्ट्रिक्टेड टिश्यू, जिसमें हमारा जो टिश्यू होता है बिखर जाता है, जल जाता है, और उनके जो टिश्यूज के सेल्स होते हैं रैपिड किलिंग होते हैं। लीव्स में होता है, फ्लावर्स पर या स्टेम पर, इनमें जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो जल जाते हैं, वो जल्दी मरते हैं। नॉर्मली ये पोटैटो में होता है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरप्लेसिया, एक्सेसिव डेवलपमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इसमें जो होता है हमारा सेल का जो नंबर होता है वो अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो बहुत अधिक होता है। आगे हम स्लाइड्स में आपको सारे के सारे टर्म्स के पिक्स दिखाएंगे, जिससे कि आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी में एक्सेसिव ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स। इसमें जो हमारा सेल का साइज होता है उसमें हमारा एक्सेसिव ग्रोथ होता है, अतिवृद्धि होती है। और हाइपरप्लेसिया में जो सेल होता है उसके नंबर्स में एक्सेसिव डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट पैरासाइट, अ पैरासाइट दैट इन नेचर कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा पैरासाइट जो नेचर में ग्रो तो कर सकता है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई जब करना होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही मल्टीप्लाई कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे कि वो रहने को तो कहीं पे भी रह सकता है, लेकिन जब उसको रिप्रोडक्शन करना होगा तो उसे किसी एक प्लांट की ज़रूरत होगी, उसी पर ही वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजली सैप्रोफाइट अंडर सर्टन कंडीशन में बिकम पैरासाइट। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूजली सैप्रोफाइट होता है, डीके प्लांट्स जो हमारे सड़े गले प्लांट होते हैं उस पर यह निर्भर रहता है, उसी पर ही अपना ये जीवन निर्वाह करता है, लेकिन एक सर्टन कंडीशन में ये पैरासाइट भी हो सकता है या बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू, अ प्लांट डिजीज कॉज बाय अ फंगस इन विच द माइसिलियम एंड स्पोर्स आर सीन एज अ वाइटस ग्रोथ ऑन द होस्ट सर्फस। एक तरीके से प्लांट डिजीज जो हमारा फंगस के द्वारा अटैक होता है, और इसमें जो माइसिलियम होते हैं या फंगल के जो स्पोर्स होते हैं उनका एक सफ़ेद वाइटिस ग्रोथ होस्ट के सरफस जैसे लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, या नॉर्मली फ्रूट पर भी दिखाई देता है। इसका मेजर अपीरियंस यही होता है कि इसमें वाइटिस ग्रोथ आपको सरफस पर दिखाई देगी। नेक्स्ट है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड, पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीरियंस ऑफ सिम्टम्स इंड्यूस्ड बाय पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। इंक्यूबेशन पीरियड आप समझिए, जैसे कि हमें बुखार हुआ तो हमें जब इन्फ्लुएंजा वायरस हमें इन्फेक्ट किया या लैंड ऑन द होस्ट, इन्फेक्शन मतलब यही होता है कि इन्फेक्शन लैंड करता है होस्ट पे, स्प्रेड आउट करता है, और उसके बीच में जब तक कि सिम्टम ना डेवलप हो और इन्फेक्शन के बीच में जो भी टाइम होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का मतलब ये भी होता है कि सम्मूल नाश या पूरी तरीके से नष्ट कर देना। कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज बाय एलिमिनेटिंग द प्लांट दैट कैरी द पैथोजन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्लांट हमारा डिजीज को कैरी कर रहा है या जो वेक्टर हमारा डिजीज को कैरी कर रहा है उसको ही हम ख़त्म कर देते हैं।
जैसे कि राइस का टुंगरू वायरस जो डिजीज़ होता है वो हमारा ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा कैरी किया जाता है या उसके द्वारा वेक्टर के रूप में स्प्रेड किया जाता है। यह हमारा जो वीट का रस्ट होता है वो बारबरी प्लांट के ऊपर भी स्टे करता है, उस पर भी अपना डेवलपमेंट करता है। तो हम इन दोनों को अगर एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें, तो हमारा जो प्लांट है, जो हमारा अल्टरनेटिव प्लांट है, वो बच जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्रोसिस, द डेथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज। ये नॉर्मली नेक्रोसिस एक न्यूट्रिएंट्स पोटास के कारण भी होता है, स्कॉर्चिंग हो जाती है। इसमें जो होता है सेल्स हमारे टिश्यूज जो होते हैं मर जाते हैं, मतलब बर्निंग के या हमारे डिजेनरेटिंग के कारण उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है अल्टरनेट होस्ट, वन ऑफ द टू काइंड्स ऑफ प्लांट ऑन विच अ पैरासाइट फंगस मस्ट डेवलप टू कम्प्लीट लाइफ साइकिल। एक हमारा पैरासाइटिक फंगस है जो कि अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पहले एक प्लांट पर रहेगा फिर दूसरे प्लांट पर जाएगा। नॉर्मली जैसे कि वे अपना जो हाफ लाइफ है वो एक प्लांट पर रहेगा, लेकिन रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए वो दूसरे प्लांट पर जाएगा, उसे हम अल्टरनेट होस्ट कहते हैं। फिर है हमारा ऑटोसियस फंगस, अब पैरासाइट फंगस विच कम्प्लीट इट्स इंटायर लाइफ ऑन द सेम होस्ट। एक ऐसा पैरासाइटिक फंगस जो कि अपनी पूरी लाइफ एक ही होस्ट या एक ही प्लांट पर या एक ही लाइफ स्टॉक या एक ही मतलब ह्यूमन पर अपना पूरा जीवन बिता देगा। नेक्स्ट है हमारा अस्मत, अ डिजीज कॉज बाय अस्टेगलेनेसी कैरेक्टराइज बाय मासेस ऑफ डार्क पाउडरी स्पोर्स। स्मट्स में नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उनकी जगह पे काले पाउडरी मॉसेस डेवलप हो जाते हैं, या हमारे जो कल्म्स होते हैं जैसे कि शुगर केन कल्म होते हैं उनमें भी विप लाइक स्ट्रक्चर के बीच में स्मट डेवलप हो जाते हैं, कि दाने जैसे पाउडरी मॉस स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, उसे हम स्मट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूटी मोल्ड, अ सूटी इन्वॉल्व फॉर्म ऑन बाय द फंगल माइसिलिया ऑन द सर्फस ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। सूटी मोल्ड में क्या होता है कि एक हमारा जो लीव्स हो गया या फ्रूट हो गया या स्टेम हो गया उसके ऊपर एक इन्वॉल्व लिफाफे जैसा काला रंग का परत चढ़ जाती है फंगल के माइसीलिया की, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस होता है जैसे कि लीव्स पे हो गया, शुगर केन लीव्स होता है, शुगर केन लीव्स पे अगर जब हो जाता है तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाती है और प्लांट की जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, दोनों की में भारी गिरावट होती है, 20-25% तक गिरावट देखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा विचेस ब्रूम, अब ब्रूम लाइक ग्रोथ, एक झाड़ूनुमा ग्रोथ हो जाता है जैसे कि गुच्छा मुच्छा मैंगो में। हम आपको आगे स्लाइड्स में या आने वाले स्लाइड्स में आपको हम सारी की सारी पिक्स दिखाएंगे जिससे आपका ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फंगिस्टैटिक, अ कंपाउंड विच प्रिवेंट्स फंगल ग्रोथ विदाउट किलिंग द फंगस। एक ऐसा कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड या कोई वायरल कंपाउंड या बायोलॉजिकल कंपाउंड जो कि फंगल ग्रोथ को रोकता है विदाउट किलिंग और रिपेलिंग फंगस, मतलब उसको मारेगा नहीं लेकिन उसकी जो ग्रोथ है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट है हमारा अरस्ट, अ डिजीज ऑफ ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स गिविंग अ रस्टी अपीयरेंस टू द प्लांट एंड कॉज बाय यूरिडिनस। यूरिडिनस के द्वारा ये कॉज किया जाता है, कॉज करता है, और ये नॉर्मली ग्रासेस प्लांट जैसे कि वीट हो गया या ग्राउंड में भी कहीं कहीं मतलब अदर क्रॉप्स में भी ये अपीयरेंस होता है या डिजीज जो होता है डेवलप होता है। इसमें रस्टी अपीयरेंस जंग जैसी अवस्था डेवलप हो जाती है जिसे रस्ट फंगाई के द्वारा ये कॉज होता है। पिक्स देखिए, ब्लाइट है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इरेगुलर या रेगुलर शेप में पूरी की पूरी रैपिड किलिंग हो चुकी है टिश्यूज़ की, और टिश्यू जल चुका है, पत्तियां मार्जिन से जली दिख रही हैं। ये हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रॉफी है, सेल की साइज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है और देख सकते हैं आप, और इसमें देखिए सेल के जो है नंबर्स में ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट है सूटी मोल्ड, सूटी मोल्ड में देख सकते हैं आप लीव्स के ऊपर एक लिफाफे जैसा आवरण चढ़ चुका है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है और डार्क और ब्लैकिश अपीयरेंस दिख रहा है। विचेस ब्रूम आप देख सकते हैं झाड़ूनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है और प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो लगभग रुक जाती है। और पाउडरी मिल्ड्यू में आप देख सकते हैं कि सफ़ेद और पाउडर जैसा अपीयरेंस दिख रहा है। एंड रस्ट है,
रेस्ट में आप देख सकते हैं जंग नुमा एक संरचना दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर डेवलप है। और ये स्मट है, ये शुगर केन स्मट है, विफ लाइफ स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कि स्टेम के बीच में एक मासेज ऑफ फंगल ग्रो किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।